आज कुछ खास खबर देखते हैं। बहुजन समाज पार्टी के बुंदेलखंड प्रभारी गया चरण दिनकर ने हमीरपुर में आयोजित एक कार्यकर्ता बैठक में कहा कि बहन जी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों की नींद उड़ा दी है। उन्होंने कहा कि देश में जल्द ही लोकसभा चुनाव होने वाला है, इसको लेकर हमारी पार्टी ने सपा के साथ गठबंधन किया है। ऐसा करके हमने अन्य पार्टी की नींद उड़ाई हुई है। यूपी ही तय करता है कि देश में किसकी सरकार बनेगी। इस गठबंधन को जनजाहिर कामयाब बनाने के लिए बसपा और सपा के लोगों से अपील करता हूं कि आप अपने पुराने गिले शिकवे किनारे करके अपने इस लोकसभा क्षेत्र के सभी उम्मीदवारों को ऐतिहासिक जीत दिलाएं। उन्होंने कहा, देश की आजादी के बाद बीजेपी और कांग्रेस की सरकार के राज में जमकर भ्रष्टाचार हुआ। किसान, गरीब, दलित व अन्य पिछड़े वर्ग का सही से विकास नहीं हुआ, जिससे दुखी होकर ही इनके हितों के लिए पार्टी बनानी पड़ी थी। आज देश में किसान, दलित और पिछड़ा वर्ग के लोग सबसे ज्यादा दुखी है। इसकी एक वजह केंद्र सरकार है। यह वजह है कि अब आम जनता बीजेपी को सत्ता से हटाने का मन बना चुकी है। इसकी एक बनेगी एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में देखने को मिली। बीजेपी को समझ लेना चाहिए कि झूठे वादे और झूलेबाजी से किसान व दलित विरोधी सरकार की दाल ज्यादा दिन तक गलने वाली नहीं है। यह वजह है कि कांग्रेस की 3 राज्यों में बनी सरकार पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। उन्होंने सभा में उपस्थित दोनों दलों के गठबंधन के नेताओं व कार्यकर्ताओं से अपील की कि समय कम है, इसलिए वे एक एक घर को मूल्यवान समझकर बसपा के जनाधार को मजबूत करने का काम शुरू कर दे। बैठक में लोकसभा के उम्मीदवार दिलीप सिंह सहित चारों जनों के अध्यक्ष व कार्यकर्ता नेतागण उपस्थित रहे। आइए देखते हैं हमारे शिव कुमार शिवहरे की खास खबर MNS न्यूज के लिए। हमीरपुर जिले की 2 विधानसभाएं, महोबा जिले की 2 विधानसभाएं और बांदा जिले की भिलवाड़ी विधानसभा, इन 5 विधानसभाओं से मिलकर लोकसभा हमीरपुर है। इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत सभी समाविष्ट 5 विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता मिलकर के आगामी लोकसभा के चुनाव में अपना सांसद चुनेंगे। इसलिए आगामी लोकसभा के चुनाव को ध्यान में रखकर के ये बैठक बुलाई है। आने वाले वक्त में जहां पूरे प्रदेश में गठबंधन के साथ ही मिलकर के अपने उम्मीदवार को जिताने में पूरी कोशिश करेंगे, वहां हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में भी समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी बन और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी बन मिलकर के इस लोकसभा क्षेत्र में भारी बहुमत जमने करके इसको जिताने के लिए कोशिश करें। जिताने में भरपूर और अहम भूमिका निभाने का काम करें। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बहुजन समाज पार्टी के लोग आने वाले वक्त में आने वाले चुनौती को ध्यान में रखकर के प्रत्येक पोलिंग बूथ में क्षेत्र में जा करके धरातल को मजबूत करने का काम करें। जो लोग महकामे के कारण दूसरे दलों में पिछले चुनाव में चले गए, आप परहेज न करें, उन्हें भी प्यार और मोहब्बत से जोड़ने का काम करें। आप सारी राजनीतिक परिस्थितियों से परिचित किस समय सत्ता और दल की वजह से देश के क्या हालात, देश के रहने वाले हर तबके के लोग, चाहे किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, आदिवासी हो, शिडूल राज के हो, अनुसूचित जनजाति के हो, ओबीसी के हो अथवा रिलीजियस माइनॉरिटीज के लोग, सब समाज के लोग इस
समय त्रस्त है। सारे लोगों को मिला जुला करके इस देश की कश्मीर और तकदीर को बदलने के लिए गठबंधन के उम्मीदवार को जिताने अपनी अहम भूमिका निभाने का साथ वक्त बहुत ज्यादा नहीं, मुश्किल महीने सवा महीने में मुश्किल से फरवरी के लास्ट वीक या मार्च के फर्स्ट वीक चुनाव के लिए सोचा जाए, इसलिए जो वक्त है हमारे पास जनवरी का यह शेष भाग और फरवरी का महीना, ये हमारे पास लगभग एक महीने 10 दिन 15 दिन का वक्त है। इस वक्त के एक एक क्षण को मूल्यवान समझ करके हमें बहुजन समाज पार्टी को धरातल तक मजबूत करने का काम करना है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जहां भी संगठन की इकाइयां भी कमजोर हो, समय रहते उन्हें पूरा करने का काम करें, मजबूत करने का काम करें, गांव गांव जाकर के सब समाज के लोगों से मिलकर मनुष्य समाज पार्टी के जनाधार को मजबूत करने का काम करें। इन्हीं तैयारियों को ध्यान में रखकर के जो चुनौती सामने आ रही, पूरे देश का इम्तिहान होने जा रहा, देश का भाग्य विधाता अर्थात मतदाता इस देश की तकदीर और तकदीर को बदल तकदीर और तस्वीर को बदलने का काम करे। MNS News Live की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप प्ले स्टोर से आज डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।